थे वो सूर वीर जो ज्वानन को करते थंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन ते मानो शंका। तुम मर्द हो हम देखूंगी उन भूतन को धर के दे पीटते भारे। बताओ मरे बहन को डराए रहे हो, एक जिंदा पे कछु कर ना पाओ, मर गए कहां उखारे बात। और तो खकी बानी जिगर समानी धोबी ने खेत जांगी आलार। कैसो तेहर तू जावे और सरवर तक पहुंचो जाए, और छोटो भैया नीरा उठाए कैसो सरवर तह दियो मिलाए। मेरी धीरे धीरे कथा याद आंगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा दादा आंगे को बढ़ रही है। आज नीर को उठा करके धोबी ने सरवर से मिला दिया। दोनों भैया गले में बहियां डाल के बिलक बिलक के रोने लगे। भैया मैयों चली गई और बबलो डूब गए, अब हम तुम रह गए। तो लो धोबी धीरे धीरे चल तो भैया आएगी। धोबिया कहने लगा तुम यहां क्यों आई हो, चलो कपड़े धोने को रखें। धोबी बोली तुम कपड़ा धोने की ओ मेरे भरतार, जे बेटा भगवान ने मुख पठाए छप्परू। जीवन भर की जलती ज्वाला, धोबिन बोली इतने दिन बाद बुझानी है, मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ और मेरी अको की सिरानी है। मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ और मेरी अको की सिरानी है, मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ और मेरी अको की सिरानी है। धोबी कहने लगा तेरी खोपड़ी तो नहीं खराब है, क्या है तेरी औलाद है जिसके ऊपर तू मर रही है, चल कपड़े धो। धोबी ने कान लगे हो समझ रहा हो ना, एक ही घूसा में ढांचो इकट्ठो कर दूंगी, तू कम इन्ने वाले जान रहो। और सुन ले सो तो भाई धर्म के मेरे हैं दिग राखूंगी सांझ सवेरे। तेरे भरोसे ना आई, मैं बहुत रोजगार कर लूंगी लेकिन मैं दोनों बेटन को ना छोड़ूंगी। धोबी कहने लगा खोपड़ी नहीं खराब है, एक ही पता के मारे चटक जाएगी, तू जानती है कि नहीं। धोबी ने कान लगे ने हो समझ रहा हूं ना, घूसा के मारे नाक टूटी जे। आगे बढ़कर के धोबिया ने धोबिन के गाल में तार से तमाचा दिया, और जो तमाचा दिया सोई दोनों बच्चे बीच में आ गए। पिताजी 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 मत मारो मेरी मां को, देखिए आज उन दुखिया ने उसे अपनी मां मान लिया। और क्या रो करके बोले सरबनी, पिताजी न मारो न मारो। सी क्या बोले, तुम क्यों लड़ो हमारे ऊपर, हम एहसान न भूलू रे,
लगो धर्म के मात पिता में चरण आपके छूलू रे। तो मेरे धर्म के माता पिता बहुत विपद का मारा हूं पिताजी, बहुत विपद का। लगो धर्म के मात पिता में चरण आपके छूलू रे। और गिरे पसीना तक खून बहाए दूने की सदा कबूलू रे। तुम दोनों कहां के हो? तुम दोनों ने आकर के हमारे घर में झगड़ा और पैदा कर दिया। पिताजी मैं कहां का हूं बताऊं? बोलो। सुनो, अंभा सो नगर जामे अंभे नाम माही पाल। कहने लगा क्या बोला? अंभा सो नगर जामे अंब नाम माही पाल आमली सुगर नार पर दरा सुकाल। तपसी को दान दियो राज धन सेव मार सत्य कह मैया हम उन्हीं के दोनों लाले। सब सुख आए खोई सो सारे बारे लिखो ललाट दुख विधनाने ए मेट सके नहीं कोई सरबरो भर लकी। कहने लगा अंभासो नगर जामे अम्ब नाम महीपाल आमली सुगर नार प्रजा रहे सुखहाल। तपसी को दान दियो राजधन से बमाल और सच कहे पिताजी हम उन्हीं के दोनों लाल। मेरे पिताजी ने अपनो राज्य एक महात्मा को दान में दे दियो है और वहां से हम लोग भटियारी के घर आए हैं। और भटियारी क्या मेरे पिताजी नौकरी करते थे। फिर क्या हुआ? सरबर बोला अरे बात सिदार सीमा भटियारी के घर जाए बाप ने तंदूर धोको ने तसु के पात लाए बिपता में दिन काटे करे के मंदूरी खाए। भटियारी एक दिन मैया को गई लिबाए करके फरेब फंद आई कऊ दुबकाए पूछ पूछ हारे न बतावे बड़ी सतराए। भटियारी एक दिन मैया को गई लिबाए करके फरे फंद आई कऊ दुबकाए पूछ पूछ हारे न बतावे बड़ी सतराए। कही ऐब लगाए दो मोए सरबरो भारी ही लगी करोई तो भोलो लाला। बहुत दुनिया बदल गई है। भटियारी ने तुम्हारी मां को गायब कर दिया। उसके बाद कहने लगे पिताजी हमें लेकर के चले हैं और इस नदी में डूब गए हैं। अब हमारा कोई नहीं है सिर्फ आप ही हो। जब ये सुन चुको बयान कहानी गम की धोबी धोबिन को दे तू घाट पे धमकी मेरी नारे अगर तू ना माने मेरी सीख और भोरे फांसी होए मिले न मांगे खपरा भीख। अरे जे जाने कौन के छोरा सुबह ही फांसी हो जाएगी। धोबिन कहने लगी जब हमें फांसी हो तब तू देखबे को मत आइए लेकिन मैं दोनों बालकों को छोड़ूंगी नहीं। धोबिन दोनों बच्चों को ले गई है। इधर जो राजा अंब नदी में डूब गया था नौजवानों आठ दिन उछरते बूढ़ते कन्नौज घाट पे जाके लगा। मौत नहीं हुई जब परमात्मा नहीं चाहता। लोगों बताया नहीं है मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न चलने पाएगी। बंधे दिनों का जीवन है बंधे दिनों का मरना है। आधार यदि तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है। यदि तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है।
कन्नौज का राजा खत्म हो चुका था और रानी का यह आदेश था कि जो सुबह हमारे फाटक पर हमें मिल जाएगा उसी को मैं अपना पिया बना लूंगी। इधर ये नदी से निकल के नौजवान वो फाटक पर जाकर के लग गया है भुरारी रात में, और 100 इसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। जो सिपाहियों ने पकड़ा, राजा अम्मा कहने लगा, क्यों तंग करो मुझे जवानों, अरे मेरे जवानों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एक सिपाही कहने लगो, परेशान कर रहे हैं कि लाटरी खुली आई, कन्नौज के राजा बन के रहो। ये कन्नौज का राजा हो गया राजा अंभो। और इधर आज ये दोनों बच्चे जो धोबिन के यहां रह रहे हैं सर्वनीर, दिन दिन सियाने भाए लला दो बाला। हाय हाय, और क्या हुआ, धोबिन ने इनको बड़े प्रेम से पाला, कुमार जब सियाने भाए तैयार, वही घोड़न पे सवार, वही घोड़न पे सवार, लला दो खेलन जात शिकार, वही घोड़न पे सवार। भैया एक दिन सरवर ने नीर को गिरा सुनाए दिए, याद एक दिन सरवर ने नीर से गिरा सुनाई है। अब तो ये जवान हो गए, अरे भैया गजबर की छाती है जवानों की, है शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेल के जब लौटे हैं तो सरवर कहने लगा, भैया नीर, हाँ आज हम तुम सियाने हो गए और धोबी धोबिन के सर पे फिर भी वजन बने हो, इसलिए ऐसा करो आज मैया धोबिन से पिता धोबी से आज्ञा मांगो और हम तुम नौकरी करने को चलो। और इधर 11.5 वर्ष हो गई हैं, 12 बरस में 6 महीना बाकी हैं, रानी आमली का शरीर काला पड़ रहा है, 6 महीना बाद ये दुश्मन मेरी इज्जत से रंगलियां मनाएगा, बहुत परेशान है। और इधर ये सलाह करके जिस समय ये दोनों आंगन में आए, धोबी और धोबिन ने दोनों लालों को कलेजे से चिपटा लिया, बेटा दूर शिकार खेलने मत जाना। सरवर कहने लगा, नहीं मैं तो बहुत नजदीक ही शिकार खेलता हूं, कुछ कहना चाहते हो। सरवर कहने लगा, हाँ मां, अगर तुम्हें बुरा न लगे, एक रोज नीर सरवर दोनों धोबी धोबिन से बतराए, धोबी धोबिन से बतराए, मेरी मात तेरे मन घर रे कर सब विधि भारी आनंद पाए। लालन पालन कर बड़ो कियो मोय हुनर बहुत तुन सिखलाए, हुनर बहुत मोर सिखलाए, हम करे नौकरी धन लावे तब होए तुम्हारे मन भाए। मैया अब तो हम जवान हो गए और हम नौकरी करके धन लाएंगे तब तुम्हारे मन भाए होंगे। एकदम से धोबी और धोबिन कहने लगे, लला मेरे घर में बहुत दौलत है और जब दो मुट्ठी मेरी मरघट में भस्म कर दे तब तुम नौकरी को जाना, इससे पहले मैं नहीं जाने दूंगी, धोबिन कहने लगी। तो सरवन नीर दोनों कहने लगे, मैया तुम मुझे आज्ञा दे दो और मैं ये बताता हूं कि सप्ताह में एक बार तुम्हारी खबर लेता रहूंगा, बिना नौकरी के अब मेरा मन बहुत नीरस रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर है। वाद्य हो गए धोबी और धोबिन। आज सरवन नीर दोनों को आज्ञा दी है कि जाओ नौकरी करो, लेकिन बेटा खबर लेते रहना। आज धोबी और धोबिन से आज्ञा लेकर के सरवन नीर जो हैं नौकरी के लिए चले। आगे घोड़ा है सरवर का और पीछे नीर का है, तो क्या देखा उन्होंने, एक कुआं पर एक लड़की बैठी है जिसकी उम्र कितनी है, 18-20 वर्ष की, और लड़की भी कैसी है कछु मत पूछो,
गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, और आंखें ऐसी के हिरणिया शरमाए जाए, नाक है नाक देख के तोता उड़ जाए, ओठ कछु मत पूछो संतरा कैसी खाप। कौन हो तुम? लड़की कहने लगी तुम्हें क्या मतलब? सरवर कहने लगा सुंदरता भगवान का रूप होता है, आप कहना क्या चाहते? तो क्या जवाब दिया है सरवर ने? कुआ पर अकेली बैठी हो तुम, कौन कहां से आई हो, इतनो तो मुझे समझा दी जो तुम कुआरी हो या ब्याही हो। जो पीछे खड़े मुस्कराते हैं वो भाई लघु तो हमारे हैं, गर तुम कुआरी जो गोरी हो हम दोनों भैया कुआरे। अगर तुम कुआरी हो तो हम दोनों भाई कुआरे हैं। एकदम से वो लड़की कहने लगी मैं तो कुआरी हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि तुमने ये प्रश्न हमसे क्यों किया? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें जीवन साथी कोई मिले। एकदम से कहने लगी तुमने मुझे देखा और तुम्हें हमसे प्यार हो गया? हाँ, लेकिन जवाब दिया मैं ऐसे प्यार को प्यार नहीं मानती। क्यों? यह प्यार की दुकान नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरे माँ बाप मेरा साथ छोड़ गए, और मैं एक बात और कहूंगी, मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, तब दिल मेरा ये कहता है और सुरगम होइबा को पतो नाई धरती पे प्यारन रहता है। सुरगम होइबा को पता नाई जा जमीन पे प्यारन रहता है। कैसे है प्रेमी आके बताऊं? भौरा जैसी। पहले तो कानों से लग लग के हर कोई हा हा खाएगा, जब मतलब हल हो जाएगा मरने तक पासन आएगा। इसलिए मैं प्यार नहीं करती। एकदम से सरवर कहने लगा मैं वो बेवकूफ आदमी नहीं हूं जो प्यार का झाला दे करके किसी के सतीत्व को नष्ट करूं। मैं तुमसे गंधर्व शादी करने को तैयार हूं, इतना जो कहा है मेरे नौजवान साथी। और सरवर ने रास्ता चलते ही उस कन्या के साथ में गंधर्व शादी कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह शादी करने के बाद आज आगे को बढ़ गए हैं सरवर। जब आगे को बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर कन्या चक्करपुर नाम के नगर की जो है वो गांव से बाहर निकली है। तो वो लड़की आगे बढ़ के बोलिए, नीर ने अपने घोड़े को खड़ा कर लिया। कौन हो तुम? घोड़ा वाले जानन के रुकी जाइयो, मैं तो चेर रही हूं। खड़ा कर दिया है नीर ने घोड़ा, और सरवर भी एक खेत पर निकल गया। जब पीछे देखा कि भैया का घोड़ा नहीं है तो उसने भी खड़ा कर दिया। तो वो लड़की बोली, आंगे वाले क्या ते लगत हैं, आंगे वाले क्या ते लगत हैं, क्या ते लगत हैं, क्या ते लगत हैं। धीरे ते मोको समझाइयो, मैं तो टेर रही हूँ। घोड़ा वाले कठाड़े है जइयो, मैं तो टेर रही हूँ। जो आगे घोड़ा पर जा रही हैं, जिनके साथ में एक स्त्री बैठी है, ये आपके कौन लगते हैं? तो नीर कहने लगा सुनो गोरी, जो आगे जा रहे घोड़ा पर वो बड़े हमारे भाई हैं, जो पीछे उनकी बैठी हैं वो तो मेरी भौजाई हैं। आपकी शादी हो गई?
नीर कहने लगा मेरी शादी नहीं हुई और हम शादी के मूड में भी नहीं है। क्यों? अभी हम लोग अनाथ हैं। हंस करके गोरी बोली है, निक सुन ले अरज हमारी है, बबुला मेरे ते मिल ली जो जा समय दुल्हनिया कुआरी है। तो बंधुओं, सुखसेन नाम के साहूकार थे, उनकी वो लड़की थी। एकदम सुखसेन जी कहने लगे, तुम दोनों की सुंदरता देखकर हम खुश हैं, अपनी लड़की की शादी आपके साथ करने के लिए उद्यत हैं। और वह सुखसेन ने बड़ी खुशी के साथ में अपनी लड़की की शादी कर दी। और एक रथ दिया है, जिस रथ में आज जिठानी और देवरानी दोनों बैठ गई हैं। रथ आगे चल रहा है, घोड़ा इधर उधर चल रहे हैं। और कहां जाकर के पहुंचे? ये कन्नौज नगर में, जहां उनका पिता राज करता था। नौकरी की तलाश में जा रहे हैं दोनों, रास्ते में ब्याह होगा बिना बरात के। क्या हुआ? जब से राजा अंभ कन्नौज का राजा हुआ है तो जानते हो, अरे करे प्रजा आनंद भूप को नीति लगे प्यारी। करे प्रजा आनंद भूप को नीति लगत प्यारी, लगी धर्म की जोत मिट गए खल अत्याचारी। अरे रहे नाई रिश्वत खोरी, और जाके की का चलत नाम की होत ना चोरी। फिर भरती के कर भैया, और बाई समय पे पहुंचे नीरे और सरबर दो भैया, मेरे भरती के कर भैया। दरोगा देखे सियानो है, जब दरोगा ने देखा है दोनों जवानों को, बहुत खुश हो गया। दरोगा देखे सियानो है, सरबर नीर से आय के बू फोरन बतरानो है। खरच तुम घोड़न का पाओगे, और लाख टका हाय मिले नौकरी यहाँ बजाओगे। भाई दोनों भैया राजी, और सरबर नीर को लेके चल भाई सुनो दरोगा जी। भाई दोनों भैया राजी, सरबर नीर को लेके चल भाई यार दरोगा जी। भाई दोनों भैया राजी, नौकरी मिल गई, दोनों भैया नौकर हो गए। इधर क्या हुआ? चीन मुल्क से सौदागर जहाज को लेकर के अपने वतन के लिए चला। रानी आमली बेटों के दुख में काली पड़ गई है। जब घर को चलो है जहाज, तो घबराने लगी कि अब तो सिर्फ 12 साल में 3 ही महीना बाकी। रोने लगी, हे बनबारी हे गिरधारी, मैं तो धरू तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। गिरधारी ए बनबारी, मैं तो धरू तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। साल का वादा करके अपनी लाज बचाई,
महीना तीन बहे बाकी बेतन से दीजो मिलाई। अरे हाँ पिया से दीजो मिलाई। एक गिरधारी है बनबारी में तो धरू तुम्हारो ध्यान रे मेरा बाधा छोड़े समय का है। कोहलिया बोली पपिया बोल गौ पीपरा दार। अरे रानी चीखती है रे बाजा दमक बाजा पे फपक रे पड़ो आधार। जहाज को लेकर के सौदागर जब चल देता है और नौजवान साथियों जहाज जब शाम हुई है तो कन्नौज घाट पे आके लग गया। रानी कहने लगी भैया ये कौन सो नगर कन्नौज? जहाज में माल है भैया, दो सिपाही चाहिए, चले जाओ। एकदम से सौदागर राजा अम्ब की कचहरी में पहुंचा और कहने लगा महाराज की जय हो, मैं पुश्तैनी सौदागर हूं और विदेश से माल लाता हूं। हमारे जहाज में माल है, हमें दो रक्षक चाहिए जो रात्रि में वहां पहरा देते रहे, भादों की रात है। राजा ने फौरन ही दरोगा जी को हुक्म दिया कि दो सिपाही भेजो, अगर कहीं जहाज लुट गया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। जब ये दरोगा जी ने कहा कि कौन ऐसा है जो भादों की रात में जाकर के जहाज का पहरा लगाए, सब जवानों की गर्दन नीचे झुक गई। एक जवान उठ के कहने लगा जी लाख टका जो दोनों जवान पाते हैं, अभी तक इन्होंने कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही जाकर के ड्यूटी पर तैनात हों। जो सर्वनीर से ये कहा है बंधुओं, दोनों जवान खड़े हो गए। अरे भाई त्यार ये कलेमा में है गए त्यार ये कलेमा में और हम जहाज रखे वे कुजा में। अरे सब रजनी जहाज रखा में और घुटने तक नाई नमावे। हम जा रहे हैं जहाज रखाने के लिए और जाकर के भादों की रात है लोगों, दोनों सिपाही वहां खड़े हो गए। इधर रानी दुख में जग रही थी तो जब रात आधी होती है तो भादों का महीना तो आप जानती ही हो। ए धड़ 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 बादल गरजे पृथ्वी कांप कांप रह जाए। बिजली चमकती है रे अब ऊपर पुरवाई की परे फुआरी और नीरु कहतुए तब सरवरते वीरन सुन ले कान लगाए। ऐसी बात कहो रे मेरे भाई आज जा सो रात पार हो जाए। और दोनों सिपाही न की जब बातें रानी सुनन लगी थी बहराए। रानी आमली है दोनों सिपाहियों की बातें सुनने लगी है। जब नीर कहने लगो भैया रात पार ना है रे, कोई ऐसी बात कहो जैसे रात पार रह जाए, तो सरवर कहा बोलो तबई सरवर बोलन लागो वीरन सुन ले कान लगाए। कहो तो कह दे अपनी बीती के जग बीती दे सुनाए। कहो अपनी बीती सुना दे या संसार की। नीर कहन लगो अपनी बीती सुनाए दे। इधर बाकी मैया दोनों की सुन रही है बैठी बैठी, कहा बातें हो रही दोनों में। और हिलकी भर गई तब सरवर की बिरना सुनिए कान लगाए। अम्बा नगरी में ग्रामो हमारो पिता अम्ब तो दे समझाए। और मैया मिली हती हमारी साधु ने राजू छीन लो आए। और
और हम तुम चारों को तुम महात्मा ने अपन राज से दौ तो निकार और भटियारी के करिए नौकरी वीरन सुनिए कान लगाए और भटियारी ने मैया मरवाई दई बबोला नदी में डूब गए जाए और धोबी धोबी ने तब मोह ले गए पाल के सियानों दौ तो बनाए और इतनी बात हो न जब पाई मुर्गा ने बांग छोड़ दैया और बहुत बुरा रोबाई घाट पे जानो सुनियो कान लगाए। इतनी कहानी हो पाई तब तक मुर्गा ने आवाज लगा दी। दोनों सिपाही बोलो सौदागर अपने जात को देखना मैं जा रहा हूं, सुबह हो गया। जब सर्वनीर दोनों चले गए अब रानी को शंका हो गई, यही मेरे दोनों बच्चे हैं। फौरन ही रानी उठी, जहाज था ना उसके कमरे जो थे जिसमें माल था वो कमरे उसने एकदम से ताला तोड़ करके जितना माल था सब नदी में झोंक दिया। जब सौदागर जगा और जब उसने कमरा खाली देखे तो एकदम पूछा, बहन हाँ ये कमरा कैसे खाली, कहाँ देखो ना ये सब ताले टूटे हुए पड़े हैं और माल का पता नहीं। रानी कहने लगी, भैया धोखा होएगा, कैसो जो रात सिपाही आए हैं उन्हें सब ताले चटकाए हैं, माने माल चुराए हैं अब क्यों ना रपट लिखाए हैं, मन। जो रात में सिपाही आए उन्होंने सारो माल चुरा लो, बहुत जल्दी राजा के पास जाओ। एकदम से राजा की कचहरी में जाके सौदागर पछाड़ खा के घर पड़ा, अन्नदाता रचक ही भचक बन गए। अरे क्या हुआ, राजा अम्म ने पूछा। सौदागर कहने लगा, आपने जो सिपाही भेजे थे वो सब हमारा माल ले आए, गवाह कौन है, हमारी औरत। एकदम हुक्म दिया दरोगा जी को, दोनों सिपाहियों के कमरों की तलाशी लो और दोनों को पकड़ के हमारे सामने हाजिर। शर्वनीर दोनों बच्चों के हाथ पीछे बांध दिए गए, बीच कचहरी में पेश किया है, लेकिन लोगों बाप ने अपनी औलाद को पहचान नहीं पाया। सौदागर से कहा, जाओ अपनी औरत को लिवा के लाओ जो गवाह है। अब रानी के पास आओ, कहने लगो, बहना गजब हुई हो, कहा बद सकबकी में हम समझ ही ना पाए, उनने पूछी गवाह कौन, हमने कह दी हमारी औरत। रानी कहने लगी, चल दई कैसे जा रही है। धीरे धीरे रानी चल भाई दे दे भमर कलन पे, भाई मेरे पांव दे दे चंप कलन पे, धीरे 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 रानी जाते अरे जत चलती मंधुरिया, भाई मेरे चाल जत चलती मंधुरिया। रानी पहुंच गई दरबार मेरे जग बेटा ठाड़े आ गए गवा, हाँ यही है। राजा कहने लगा, यही सिपाही हैं जो रात में तुम्हारे यहां पहरा देने गए थे, जिन्होंने तुम्हारा माल लूटा है। बंदियों जो अपने कलेजे के टुकड़ों को देखा, 12 साल बाद लाला में रहे हैं लोगों, कौन मैया ऐसी होगी जो सब्र कर लेगी। एकदम से चीख पड़ी, नहीं। सभा में सन्नाटा, क्या कह क्या कह रही हो तुम, नहीं नहीं ये क्या हुआ, तुम रो रही हो, कहा बोली रानी, अरे नहीं माल इन्होंने लूटा, छोटा गिरा बिल्कुल झूठा, अरे छोटा गिरा बिल्कुल झूठा, आगे फूलों खुल जाए है बूटा। इसका क्या मतलब,
मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। रानी कहने लगी, राजन सिपाही तो यही है, लेकिन रात में इन्होंने जो कहानी कही है वो हमें कहानी सुनवा दीजिए। राजा कहने लगा, हराम जादे हो तुम, रात भर कहानियां कहते रहे, माल कोई दूसरा ले गया। बोलो रात में तुमने क्या कहानी कही। सरबन नीर रोने लगे, कहने लगे, राजन जब रात हमसे नहीं कटी तो मेरे भैया नीर ने कहा कि तुम कोई ऐसी बात कहो जो रात पार हो जाए, तो हमने अपना ही दुख का इतिहास सुनाया था। राजा हम कहने लगे, तुम कहां के रहने वाले हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है। बंधुओं सरवर क्या बोला, मेरो अंबा नंगारी गामो जहां के बेतो अंबराज तप धारी रे, फटकार को तो काली दाओ हम चल भाई तीनों प्राणी रे, हम तीन ये समझदार थे, ये मेरा नीर भैया अबोध था। इतनी कथा हो नहीं पाई भूप गो तो भैराई रे, गद्दी पे ते टूट पड़ो के कनक जिलो भैराई रे, बेटा बेटा ए बेटा बेटा नो मैं हूं तुम्हारा बाप। मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं हूं सर्वनिर्म। आप यहां, आप तो नदी में डूब गए थे। मां मेरी मां कहां है। लेकिन बंधुओं मैया आ मिली आज बेतन पे डांग बाल सी टूटी रे, दशा देख के सौदा गिर किया धार नबदिया छूटी रे, बेटा ए बेटा मैं हूं तुम्हारी मां। सादा करो के पकड़ो निकलो जा तू भागो रे, एकदम से सौदागर को वहीं पकड़ लिया। कमीन हरामी के पिल्ला, अब तुझे देखेंगे। बोल
ये तेरी औरत है? नहीं, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मेरा दोष नहीं, भटियारी ने जबरदस्ती उनको मेरे सर मर दिया था। जला दो सिपाहियों, जाओ चक्करपुर में छुटको नाम की भटियारी है, उसे जल्दी पकड़ के लाओ। चार सिपाही चल दिए हैं। क्या हुआ? पहुंचे सिपाही जाकर के छुटको नाम की भटियारी के दरवाजे पर। अरे घुस गए भटियारी के घर में, अरे रसा लो जार कमर में, सीधी कर दई है चार हंटर में। खींच करके दरबार में उसे पेश किया। जो सौदागर को भटियारी ने देखा है, पैरों के दर तले जमीन खिसक गई। आ गई? हाँ साहब, गलती। तुमने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हारा नौकर हूं जो पत्ता बीन के लाता था। यह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हारे यहां रोटी करती थी, जिसे तुमने छेनाल बताया था, पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। कितने में से बेचा था तुमने? नहीं बोल, कितने में बेचा से वो कुतिया? आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी 1,25,00,000 में। इस कुतिया को पकड़ के तिराए पर जमीन में छाती तक दबा दो और तीरों से इसके शरीर को छलनी करके इसकी चांद काट के दही डालो, कट्टर कुत्ते छोड़वा दो उसके ऊपर। आज भटियारी को तिराए पर दबा दिया गया, तीरों से शरीर छलनी कर दिया, तड़फा तड़फा के मारा। अब सौदागर को हुक्म दिया, इस कमीन को फांसी दे दो। रानी आमली ने झपट के अपने पिया के पैर पकड़ लिए। नहीं, 12 साल तक इसने मुझे बहन माना है, ये मेरा धर्म का भैया है, ये मैं मानती हूं। कोई भैया बहन को खरीदता नहीं है, शायद हो सकता है इसकी कोई बहन न हो, बहन के प्यार के लिए इसने मुझे खरीदा हो। कौन ऐसी बहन होगी जो अपने धर्म के भैया को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकते हुए देखेगी? इसे प्राण दान दे दो पिया, प्राण दान दे दो, मेरी मानो ना। तुम क्या कहते हो? अगर मुझे मार दो तो न्याय है और छोड़ दो तो आपकी दया है, मगर ऐसा गंदा काम कभी मत करना। पराई बहन बेटी की इज्जत को खरीदना, उसके साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है। जो सौदागर वहां से चला, एकदम से आसमान से विमान धीरे धीरे नीचे आ गया, जिसमें विश्वामित्र, जिन्होंने राजधानी को संकल्प में लिया था, और चतुर्भुजी बने भगवान बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सामने विमान आया, राजन तुम धन्य हो जो तुमने धर्म पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया, वरदान मांगो। रानी कौन सा वरदान मांग रही है, राजा कौन सा मांग रहा है? रानी से कहा बेटी तू वरदान मांग, तो रानी आमली कहने लगी महाराज एक वरदान दे दो। क्या? हम जब जब धर के दे हौरे जा जग में स्वामी आऊं, मुझे ही सैया मिले रे पुत्र जे ही पाऊं, देव यही वरदान, पति के चरणों में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। मेरे सामलिया, मेरे सामलिया, मेरे पिया मुखो ईश्वर है, मैं तो ही नहीं पे होवे बलिहार। मेरे सामलिया, मेरे पिया जे मुखो ईश्वरे हैं, मैं तो ही नहीं पे होवी बलिहार। मेरे सामरिया, मेरे पियाजे मोगो। जब जब शरीर धारण करके आऊं तो जे ही तो मुझे पति मिले और जे ही बेटा मेरी कोख से पैदा हो, बस यही चाहती हूँ। भगवान कहने लगे तथास्तु।
ऐसा ही होगा। स्वयं सर्वभूता ने ज्ञातमा शांत मूर्छत, सर्वभूतों में व्यापक परमात्मा ने इस तरह से वरदान दे दिया। राजा से कहा तुम वरदान मांगो। राजा कहने लगे साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधन भूख हो जाए। आज विश्वामित्र विमान के साथ चले जाते हैं। राजा ने नीर को तो कन्नौज का राजा बना दिया और सरवर को अंबा नगरी का राजा बना दिया। रथ को भेज करके धोबी धोबिन को बुलाया है, धोबिन नीर के पास रहने लगी और धोबी सरवर के पास रहने लगा, और राजा अपनी प्राण प्यारी रानी को लेकर के वन में भजन करने चला गया। मैंने सरवर नीरक का थारे मेरे मित्र सुनाई दई गाके, और घड़ी रही है भैया पूरे ढाई अरे बजा के। नर नार करो आराम सभी घर जाके, महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, और मंजिला अब मोह करनी है और जानो पड़े दूर। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते लीजो यारो करियो माफ कसूर। महाराज ध्यान मेरे गीतन पे दीजो, और असली कैसे हो तो राठौर कैसे ले लीजो। करिया नांगिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रे रसीले तेरी बांसुरिया, करिया नांगिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया।